हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पर मेरा व्लॉग चल रहा था तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं ना श्रेया का बर्थडे आने वाला है तो मैंने श्रेया के लिए सरप्राइज़ प्लान किया था बट मेरे को ये पता था कि श्रेया स्कूल डेली जा रही है, तो आज श्रेया स्कूल नहीं गई क्योंकि सारी उसकी फ्रेंड्स लोग वगैरह कहीं कोई चीज़ में व्यस्त है, कोई कहीं गया है, किसी के यहाँ फंक्शन है तो कोई नहीं गया, तो श्रेया भी नहीं गई कि अकेले वो क्या करेगी। इनका ग्रुप जाता है तो फिर अच्छा भी रहता है, अकेले बोलती क्या करूँगी, तो वो नहीं गई। और जो चीज़ ऑर्डर की है वो आने वाली है। मैंने बहुत प्लानिंग करके रखा हुआ था कि मैं ऐसी जगह छुपा दूँगी सारा कुछ, है ना, जब वो पार्सल वाला आएगा रिसीव कर लूँगी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि फर्स्ट मैंने गिटार दिया था, तो आप लोगों को मैंने बता दिया था, गिटार भी ऐसे ही 7-8 तारीख को आ गया था, तो उसका गिटार को तो गिटार का उसको पता चल गया था, मेरे को लग रहा हुआ ना जाए सुन ना ले। और उसके बाद मैंने सेकंड बारी यानी कि फ्रिज, क्योंकि अच्छा रहता है ना कि ठंडा ठंडा पानी पिएगी, तो मैं कोई ऐसी चीज़ लेती हूँ जो कि यूज़फुल हो हम लोगों के लिए, है ना, फालतू ऐसा नहीं है कि जो चीज़ रखी रहे, तो मैं ऐसी चीज़ ढूंढती हूँ कि यूज़फुल हो। तो अभी भी मैंने कुछ ऐसा ही किया है कि जो कि हमारे घर में काम आएगी, मेरे लिए भी बहुत हेल्पफुल है और उसके लिए भी, पढ़ाई के लिए भी हेल्पफुल है, तो मैंने ऐसी चीज़ ऑर्डर की है। पर मैं यहाँ पर अभी नहीं बता सकती हूँ आप लोगों को क्योंकि पता नहीं कौन उसे बता दे ये वीडियो देख करके, इसलिए नहीं, पर वो आज घर में है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे पार्सल रिसीव करूँगी, बड़ी समस्या आन पड़ी है। और आज है 8 तारीख, 9-8 यानी आज का दिन तो चलो ठीक है, 9-10-11 3 दिन है। मैं नहीं चाहती कि अभी मैं ये चीज़ बताऊँ। मैंने उससे पूछा भी कि तुम स्कूल क्यों नहीं गई, तो बताया, बोलती क्यों आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैंने कुछ नहीं, बोलती क्या बात है, तो मैं कुछ नहीं बोली, देखते हैं क्या होता है। सरप्राइज देना था पर मैं जो भी होगा मैं आप लोगों को बताऊँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लास्ट में यानी वीडियो पर बने रहिएगा, आप लोगों को कुछ जानकारी देनी है क्योंकि इतना मैंने यानी इस दिन का यानी बोलते हैं साल भर से इंतज़ार करते हैं और मैं हर साल कुछ ना कुछ श्रेया को ऐसे यादगार बनाना चाहती हूँ, बट इस बार मेरे साथ बहुत यानी कि बुरा हुआ, है ना, धोखा हुआ। तो ऐसा ना कभी भी इन ऑनलाइन शॉपिंग में ज़्यादा विश्वास भी नहीं करना चाहिए। मैं तो बोलते ना, जब तक अपन किसी चीज़ से यानी कि चोट नहीं खाते तब तक अपन को समझ में नहीं आता, अब मुझे विश्वास हो गया। तो मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ, कुछ इस तरीके से मैंने पर्दे लगा दिए हैं, आप लोग देख सकते हो, यहाँ का मैंने फ़ैन ऑन कर दिया है और श्रेया उस रूम में है, मोबाइल में जोधा अकबर देख रही है। तो बहुत देर से मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ कि पार्सल वाला आ जाए। मैंने यहाँ का भी फ़ैन ऑन कर दिया जिसमें उसको आवाज़ ना आ पाए। मेरे को करीब 1.5 घंटे हो गए यहाँ पर बैठे बैठे, बट एक भी कॉल नहीं आया है। मैसेज वगैरह तो आ गए पर कॉल नहीं आया है। मैं इंतज़ार कर रही हूँ, मैं सोई तक नहीं, इतनी देर में खाना पीना खा के मैं सो जाती पर सोई नहीं, ऐसा ना हो कि वो जब वो उठ जाए तब वो आए। अगर मैं गेट लगा के गई तो वो जो चीज़ अपन कभी करते नहीं है तो उसको फिर दिमाग में ख्याल आएंगे कि मम्मी ने गेट क्यों लगाया, इसलिए मैं पर्दे वगैरह लगा दिए हैं, वहाँ का पर्दा लगा दिया, उसको लग रहा होगा कि मम्मी रील शूट कर रही है, रील बना रही है। अच्छी परेशानी, सरप्राइज़ देने के लिए भी क्या क्या करना होता है, 4 दिन मुझे छुपा के रखना है।
अभी आ जाता तो क्या बिगड़ जाता, 3 बज रहा है अभी, वो सोने से तो रही, वो सो सकती नहीं है, बहुत कम सोती है। अगर मैं सो गई ना वहाँ जाके, तो उसको ज़बरदस्ती करी कि तू भी सो जा, तब वो सो गई। एक मन कर रहा है जाऊँ थोड़ा सा एक्टिंग करूँ, पिछड़ा बहुत तेज नींद आ रही है, सब बंद करो सोना है, तो वो सो जाएगी ऐसे, उसको डराना पड़ेगा। दिमाग नहीं दौड़ रहा, वो सो ही ना, फिर वो मुश्किल से उठती है, उठाना पड़ता है उसको, क्या करूँ, सुला देती हूँ। ब्लॉग बनाते गई तो समझ जाएगी, कुछ ना कुछ दाल में काला है, मम्मी क्यों सुला रही है, इसलिए मैं शूट नहीं कर सकती ये चीज़, इस वजह सो चलो देखते हैं क्या करना है। तो फ्रेंड्स अभी ना बिल्कुल अंधेरा सा हो गया है, यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे शाम के 7 बज रहे हैं, 6 या 7, तो चलो छत पे चलते हैं। मौसम बहुत सच में अच्छा, मुझे ऐसा मौसम बहुत अच्छा लगता है, वीडियो भी कितनी क्लियर बन रही है, सच में बहुत अच्छा मौसम है, मेरे बाल किधर जा रहे हैं। तो श्रेया यहाँ पर अपनी फ्रेंड से बात कर रही है, और सच में कितना अच्छा मौसम है, मज़ा ही आ रहा है देख के। एक पेड़ है यहाँ पर जो कि ना सारे सभी लोगों के घर में कचरा करता है, चिरौल बोलते हैं, चिलविल्ली बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, बंदर की रोटी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं नहीं पता, तो वो ना सारे यहाँ पर हमारे घर में भी कचरा करता है। चलो हम बताते हैं, छोटा सा कहीं पड़ा होगा तो देखो, यहाँ पर ये कुछ इस तरीके के हैं, ये निकलती है। कहाँ जा रही, रुद्राक्ष की माला वाला आ गया, कौन आया, दो ठेले वाले खड़े हैं, अक्षय आ गई है। मौसम मौसम देखो देखो देखो, ध्यान से देखना, वो कितना उड़ते हुए नहीं दिख रहा, वरना दिखाती, यही पेड़ है वो जिसमें ये हिलता है, जरा सी हवा चलती है और ये पहाड़ी, बारिश की बूंदें आने लगी, बादल देखो बादल, ये व्यू तो वॉलपेपर टाइप लग रहा है। श्रेया और श्रेया की फ्रेंड लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, आ जाओ, बारिश होने लगी है, और श्रेया मैं इधर से झाड़ू उठा लूं। मैंने ना एक चुन्नी मंगाई है कि एक चुन्नी लेकर आएगी माता रानी के लिए, पैसे निकाल, जोर की बारिश है, मेरे बाल, मैं सच बताऊं आज पार्सल, बारिश, मौसम, देखो बारिश हो रही है, सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है मिट्टी की, बर्फ गिर रही है भाई, अच्छा
जल्दी यहाँ पर। और झाड़ू पीछे रख दो सर। ये तूने ये क्यों गीला कर दी, क्या जरूरत है? फर्श तो सूख जाता ना। ओ माय गॉड, पता थोड़ी ना था इतनी जोर की बारिश होगी। बहुत जोर की बारिश, ऊपर जो डब्बे वब्बे रखे हुए थे ना पानी की, जो मैं पेड़ों में पानी डालती थी, तो वो डब्बे भी उड़ गए। और लाइट इसलिए सारे घर की लाइट गोल कर दो। और प्लेशर ला के इधर पर्दे में लगा दो, वरना खराब हो जाएंगे पर्दे। और छतरी का क्या, छतरी ले जाने की कौन बोला था वहाँ पे? देखो 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 देखो, ये सब बर्फ ही गिर रही है। देखो टीन में, देखो आप लोग, इस तरीके से ये बर्फ ही गिर रही है। ये ऊपर निकल गया है ऊपर का ये। देखेगी ये पूरी बर्फ रखी हुई है। लगता है तुमको क्या लगता है तुम्हारे घर का ही फ्रिज ऑन है? भगवान जी के यहाँ ओवर बर्फ जम गई थी तो वो फेंक रहे हैं। देखो दीदी कैसे खड़ी है। ए कहाँ जा रही? अंदर आ जाओ। तो फ्रेंड्स लाइट चली गई है, लाइट नहीं ऐसी है किचन में। मैं ना ये आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर भी एक मैंने दीपक जला के रखा हुआ है। किचन में ऐसा अंधेरा नहीं करना चाहिए। और शाम को 7:30 बज रहा है। मैंने ऐसे ही ये दिए में ही बर्तन धोए हैं सारे, और आटा यहाँ पर लग चुका है। मैं मोबाइल का ना क्या बोलते हैं, टॉर्च भी नहीं ऑन कर सकती, मोबाइल में बैटरी नहीं है। काफ़ी देर से लाइट गई हुई है, तो यहाँ पर तो ये जो बल्ब जल रहा है पर यह नहीं भी, ये भी बंद हो जाता है। और यहाँ हॉल में भी ये यहाँ पर हॉल में भगवान जी के यहाँ दीपक जल के रखे हुए हैं, जलाकर रखे भगवान जी के यहाँ भी जलाकर रखे हुए हमने दीपक। आज का वीडियो थोड़ा ल� 3-4 मिनट, तो मैंने बोला चलो अपलोड कर देते हैं। पर मैं एक बात बताऊँ, जो पार्सल आने वाला था ना, आज हो गई है 11 तारीख। 8 तारीख मैंने जो शूट किया था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। ऐसा नहीं करना चाहिए कोई इंसान, यानी इमरजेंसी में ये सब कोई भी चीज़ ऑर्डर करे और बोले चलो इस डेट को तो आ जाएगा, तो ये चीज़ें धोखा देने वाली हो जाती है। मैंने बहुत उससे यानी सोचा हुआ था कि मैं यानी गिफ्ट करूँगी श्रेया की, वो खुशी देखनी थी मुझे, पर मैं यानी कि वो खुशी पूरी नहीं कर पाई। मुझे नहीं पता था इतने यानी इस दिन का हम साल भर से इंतज़ार करते हैं, और कुछ अच्छा बनाने के नहीं, इस पल को अच्छा बनाना यानी यादगार पल बनाना मेरा यानी काम था कि मैं इस चीज़ को यादगार बनाऊँ, इस दिन को यादगार बनाऊँ, श्रेया की वो खुशी कैप्चर करूँ।
क्योंकि इनके जाने के बाद मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि वो यानी कि उसको ज़्यादा खुशी दूँ, उसको कोई भी चीज़ की कमी महसूस ना हो, पर क्या करूँ, ये ना ये फ्लिपकार्ट वालों ने ना मेरे साथ धोखा किया है। मुझे बहुत ख़राब लगा इस चीज़ को जान करके कि जो चीज़ मैंने ऑर्डर की थी वो चीज़ नहीं आई। अब बीच में कहाँ गायब हो गई, क्या हुआ, क्योंकि मैंने इधर उधर कॉल भी किया, यानी डिलीवरी बॉय जहाँ भी मेरे को नंबर समझ में आया मैंने कॉल किया तो वो बोल रहे थे कि वो दूसरे लड़के ने इधर उधर कर दिया है, तो कल देंगे कल देंगे, कल कल करते करते आज 11 तारीख हो गई। फिर मैंने उस यानी पेमेंट वगैरह तो सब कुछ मैंने ऑनलाइन ही कर दिया था, पर मैंने फिर इसका तोड़ अब निकाला है, और जो भी होगा मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।